हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट उन बच्चों के लिए है। कुछ मुझे क्वेरीज आई हैं उसके रिलेटेड। क्वेरीज ऐसी हैं कि जैसे अभी वीज़ा मतलब कि फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया, सेकंड टाइम रिजेक्ट हो गया, तो थर्ड टाइम फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे चाहिए या किस तरीके की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ टिप्स हैं, आप टिप्स बोल सकते हो, टिप्स हैं जो इंटरव्यू के टाइम मैं आपको आपको बता रहा हूँ, तो आपने उस टाइम अपने माइंड में रखने हैं ये वाले टिप्स। तो कुछ टिप्स हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर जरूर कर देना। ओके, तो टिप्स ये हैं। हाँ, टिप्स के पहले मैं एंड में ना वो भी बताऊंगा स्लॉट्स के बारे में, वो तो आपको पता ही है, मेरी ओर से अपडेट पूरी आती है स्लॉट की, तो वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो टिप्स ऐसे हैं कि जैसे किसी का स्पाउस का ही केस है, स्पाउस का केस है, तो उसमें F1 जो है वो चला गया लेकिन F2 रह गया, ठीक है, तो उसका फिर क्या इंटरव्यू होगा, कैसे उसका दोबारा इंटरव्यू होगा या नहीं इंटरव्यू होगा। उसका डेफिनेटली इंटरव्यू तो होगा, ठीक है, क्वेश्चंस उसे जो पूछे जाएंगे फिर उसी के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो जब सेकंड टाइम वो F2 इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो पंजाबी भी यूज़ कर सकता है, हिंदी भी ले सकता है या कोई अपनी और लैंग्वेज ले सकता है, ठीक है, और इंग्लिश भी ले सकता है। इंग्लिश ले ले, प्रेफरेंस अच्छी है, नहीं तो वो अपनी लैंग्वेज ले सकता है। दूसरी बात, तो उससे वही पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन फिर स्पॉन्सर करेगा, जो F1 चला गया है उन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इतना अमाउंट आपके पास है, वहाँ पे आप जाके क्या करोगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मैं कुछ महीने के लिए जाऊंगा, 2 या 3 महीने के लिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, कि मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मेरा यहाँ पे कोई बिजनेस है, जो भी है। तो दूसरी केस कि जैसे अभी आप F1 वाले ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो उनके फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आ गई, सेकेंड टाइम रिजेक्शन आ गई या थर्ड टाइम अभी जा रहे हैं, तो एम्बेसीज का कोई इशू नहीं होता है, एम्बेसी कोई भी चले जाओ, जो भी आपको नियर पड़े, कि कंफर्टेबल रहो आप, ऐसे नहीं कि आप हो पंजाब से और जा रहे हो कोलकाता, तो वो दूर पड़ जाता है काम, तो आई मीन खज्जल नहीं होने का। तो ऐसा रहेगा कि ये चीज़ें जब एम्बेसी में जाते हो तो वो आपसे पहले तो पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे कि आपका रिफ्यूज़ क्यों हुआ, उन्हें पता है, ठीक है। और सेकंड, क्या वो आपसे नॉर्मल सेम क्वेश्चन ही पूछेंगे जो उन्होंने लास्ट टाइम पूछे थे, तो इस टाइम आपको ये पता है कि वो मेरे वीज़ा ऑफिसर कैसे मेरे से डील करेगा, ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई है, आपको ये चीज़ पता चल गई है कि आप बोलोगे वो लिखता है, वो 10 से 30 सेकंड तक टाइम लेता है, उसमें आपने अपना कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है, स्टेबल रखना है और बहुत ज़्यादा इनक्रीज भी नहीं करना है, ठीक है। तो उसकी ट्राई करो कि उसकी बात ना अच्छी तरीके से सुनो। बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम मिलती है कि मुझे ये नहीं सुना, सेकंड थर्ड टाइम उसने बोल दिया कि नहीं अभी आप जाओ, है ना, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना, तो सुना नहीं। वो हमारी नर्वस, जो अब जब हम नर्वस हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, या डर जाते हैं, तो तभी ये सीन होते हैं हमारे साथ कि हमारे कान सुनना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं रखनी है। नॉर्मली वो आप जैसे हम फ्रेंड्स में बात करते हैं ना, ठीक है, वो प्रोफेशनली ऐसे बात होगी, बहुत तो फ्रेंडली नेचर होता है उनका, तो प्रोफेशनली काम होता है ये सारा, तो आप सुनो उनकी बात। आपको नहीं चीज़ कोई सुनी ना, तो आप एक बारी बोल दो, दो बारी बोल दो, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि आपने 3-4 महीने या 5 महीने टाइम स्पेंड किया है इस दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद आपने कितना अमाउंट भी स्पेंड किया है इस दिन 2 या 3 मिनट के लिए, ठीक है ना, जिसमें वीज़ा लगना है, ठीक है ना, तो आपके पास वो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे पूरी प्रेफरेंस देनी है कि आप अच्छी तरीके से उसकी बात सुनो, रिलैक्स रहो, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं उन्हें प्रोवाइड करो। जैसे ही आप बोलते हो ना, वैसे ही पता चल जाता है वीज़ा ऑफिसर को कि आपका लेवल क्या है,
ठीक है ना। तो ऐसी प्रिपरेशन करो, डीपली प्रिपरेशन करो, अपने क्वेश्चंस को डीपली अंडरस्टैंड करो। व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, ओके, हु इज स्पॉन्सर यू, ये तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जिसको उसने पूछना ही है। तो यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों आपने सेलेक्ट की, आप जिसमें 4-5 साल या 5 साल मैक्सिमम आप रहोगे एक कंट्री के अंदर, 2 साल स्टडी करोगे या 4 साल स्टडी करोगे, तो फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, ये कोर्स इतना क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसे ही आपने चूज़ किया। उससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे प्रोफेसर कैसे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कितने कॉलेज है, वो कितना कॉलेज पुराना है, यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, ठीक है, रैंक आप बता सकते हो, बाकी ये चीज़ें नहीं। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है, कोर्स में यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ बतानी है आपने। तो ये चीज़ आपकी बहुत इजीली क्लियर हो जाती है, अपने वर्ड्स जब आप एक्सप्रेस करोगे उसके आगे तो वो इजीली वो बंदा समझता है और इजी आपको वीज़ा देते हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो इसके टॉपिक स्टेप्स के रिलेटेड F1 के, ओके। एंड सेकंड है वीज़ा स्लॉट्स की अपडेट्स, तो वीज़ा स्लॉट्स धड़ाधड़ मिल रहे हैं, ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक, ठीक है, मई भी थोड़ा खुला था कल और वो बंद हो गया फिर, लेकिन अप्रैल तक पूरे के पूरे डेट्स खुली हुई हैं, और दिसंबर भी खुल रहा है, जैसे ही दिसंबर खुल रहा है वैसे ही ख़त्म हो रहा है। कल मुंबई खुला था दिसंबर, तो विद इन आई थिंक 5 और 10 मिनट्स के अंदर अंदर बंद हो गया, क्योंकि दिसंबर सभी को प्रायोरिटी दिसंबर की है, इमरजेंसी ही भी मिल रही है लेकिन इमरजेंसी का प्रोसेस डिफरेंट है। तो आप डायरेक्ट इमरजेंसी डालोगे तो वो नहीं देंगे, इमरजेंसी का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो पहली इमरजेंसी में भी वो आपको डेट दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा, रीशेड्यूल के भी चांसेस होते हैं, तो आप रीशेड्यूल कर सकते हो, जेकर जन में है, जन में क्लासेस हैं, जन में मिड में है या लास्ट में है, आप फ्रंट को बुक कर सकते हो, या फिर जो फ्रंट में क्लासेस हैं फर्स्ट वीक में, तो आप दिसंबर के लिए इमरजेंसी ही के कर सकते हो, बाकी कॉलेज के साथ कनेक्ट में रहो, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।